आज योम अशूरा है, जिसको हम कहते हैं दसवां दिन जो मुहर्रम का है। तो हमने जो यहाँ पे आए हैं इस प्रोटेस्ट के लिए, जिसका नाम है हमने दिया है दिस इज़ आर करबला, तो मैं इसको रिलेट कर रही हूँ अपने कश्मीर से। कैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि जब करबला में जंग हुई थी वहाँ भी शहादतें हुई थी, वहाँ भी शहीद हुए थे लोग। तो जो हमारा कश्मीर है, जो मेरा कश्मीर है आज, वहाँ पे भी लोग शहीद हो रहे हैं, वहाँ पे भी लोगों को बिना वजह के मारा जा रहा है। उनकी क्या किया है उन लोगों ने, क्योंकि वो बस एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कि एक पुरअमन है, और क्योंकि वो हमारा हक है, वो हमारे हुकूक है, वो हमारे इंसानी हुकूक है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स। तो इतना तो हक है हम में कि हम अपनी बात रखें। अगर मैं आज यहाँ बोल रही हूँ तो मुझे तो इतना हक है कि मैं बोलूँ यहाँ पे कि हमारे कश्मीर में जो इंडिया का कश्मीर है, जो ये बोलते हैं कि पार्ट है इंडिया का, तो उसको तो हक है अपने लिए बोलने का कि जो हमारे साथ हुआ है, या इन लोगों ने जो हमारा आर्टिकल 370 जो स्क्रैप ऑफ कर दिया गया है, तो क्या इतना भी हक नहीं है? ये मेरा एक क्वेश्चन है कि लोगों को हक नहीं दिया जाएगा? वो कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे हैं, और फिर उनको सज़ा में क्या दिया जा रहा है? ऑलमोस्ट 36 दिन हो गए हैं, और 36 दिन में आप देखिए वहाँ पे पूरा लॉकडाउन है, वहाँ पूरी जो वादी है, हमारी वैली है, पूरी बंद है। बंद मतलब ऐसे नहीं है कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी है सब चीज़ों की, वहाँ क्या है, वहाँ जो फ़ोन है आज 21वीं सदी जो है आज की, सबके पास फ़ोन है, सबके पास इंटरनेट है, ठीक है, कहीं पे भी फ़ोन चल रहा है, लेकिन वहाँ फ़ोन्स नहीं है, वहाँ इंटरनेट नहीं है, वहाँ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं है। वहाँ पे लोगों को अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाना पड़ता है दूर दूर, अपनी गाड़ियाँ लेके, मतलब ऐसे या चल चल के ऐसे जाते हैं वो लोग। और वो जब जाते भी हैं, बाहर निकलते भी हैं, तो उनको इजाज़त नहीं है जाने की। ऐसा क्यों है? क्या वो इंसान नहीं है? मेरा ये क्वेश्चन है, क्या वो इंसान नहीं है? और सबसे बड़ी बात तो मैं मीडिया से मैं ये कहना चाहूँगी कि मीडिया जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है आजकल की, वो क्या कर रही है? वो यहाँ पे बैठ के बोल रही है कि सब कुछ नॉर्मल है। आप मुझे बोलिए नॉर्मल क्या होता है? क्या नॉर्मल ये है कि वहाँ बच्चे जो हैं वो घर पे बैठे हुए हैं और वो स्कूल नहीं जा रहे हैं? वो क्या पढ़ेंगे? जो फ्यूचर है, जो मुझे सबसे बुरा तो बच्चों के लिए लगता है, क्योंकि वो फ्यूचर है हमारा, वो क्या पढ़ेंगे? वो पिछले 36 दिनों से घर में बैठे हुए हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो खेल नहीं पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि 6 या 5 अगस्त में एक बच्चा खेलने गया था, उसकी मौत हो गई क्योंकि जो फोर्सेस हैं वो उसके पीछे पड़ गए, वो झलिम में गिर गया था और फिर वो बच नहीं पाया। उसकी क्या खता है कि वो खेलने गया था, वो खेलने क्यों नहीं जाता? वो एक बच्चा है, जब स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, फ़ोन नहीं है उसके पास, तो वो ऑब्वियसली बाहर जाएगा, ये जाहिर है, ये जाहिर सी बात है, वो बाहर जाएगा और वो खेलेगा। तो आप देखिए, मैं पूरे इंडिया से बोलना चाहती हूँ, पूरे इंडिया के लोगों से बोलना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से खफा नहीं हूँ, मैं नाराज़ नहीं हूँ, बट मुझे अफसोस है कि आप हमसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बस एक बार, एक घंटे के लिए, चलिए एक घंटे के लिए ही सही, आप अपना फ़ोन बंद कीजिए और आप देखिए कि कम्युनिकेशन जब नहीं होता तो क्या हाल होते हैं। आप समझ जाएंगे, आप कनेक्ट कर पाएंगे, आप रिलेट कर पाएंगे कि क्या होता है। मैं किसी से यहाँ पे नाराज़ नहीं हूँ कि मेरा कोई फ्रेंड है यहाँ का, वो समझ नहीं पाता। वो कैसे समझेगा, क्योंकि उस पर तो बीती नहीं है ना, जिस पर बीती है वो समझता है। मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे पता है जब कोई बीमार होता है, उसको पता होती है उस बीमारी का उस पर क्या असर है, तो दूसरे इंसान को पता नहीं होगा। तो वही तो मैं कह रही हूँ, मैं तो ये कहूँगी एक नॉर्मल जो है उसकी एक डेफिनेशन जो है मैं बदल लूँगी। अब डेफिनेशन ये होगी नॉर्मल की कि लोग लॉकडाउन है वो नॉर्मल है, वहाँ कम्युनिकेशन नहीं है तो वो नॉर्मल है, वहाँ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं वो नॉर्मल है। एक छोटी सी बच्ची, मेरी खुद की नीस जो है, वो 1 साल की नहीं हुई होगी अभी, उसके पास 4 दिन दूध नहीं था क्योंकि वो अपनी माँ का दूध नहीं पी रही थी, तो ये नॉर्मल है? क्या इसको आप नॉर्मल कहते हो? क्या इसको कहते हो आप वहाँ की जो मामूली मतलब ज़िंदगी है वो चल रही है, वो ठीक है वहाँ पे? मैं यही कह रही हूँ बार बार, मैं किसी से खफा
खफा नहीं हूँ, मैं अफसोस में हूँ, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया जिसे कहते हैं ये डेमोक्रेसी, वो मुझे बोले कि हाँ डेमोक्रेसी नहीं है, तो मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो यही दिख रहा है कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी तो लोगों से बनती है। तो जब हमारे अपने लोग ही बंद हैं, आप देखिए कहीं किसी से आपका राबता नहीं हो पाएगा। वो कहते हैं लैंडलाइन चालू है, मैं आपको अभी 10 नंबर्स देती हूँ, अगर आपको फ़ोन होता है तो आप देख लीजिए कितने वहाँ पे फ़ोन चलते हैं। सरकार ने जिस इतिहास लिखा जाएगा जी, जिस तरह से सरकार का जो अभी तक का रवैया है और जो सरकार ने वहाँ पर अभी तक की कोई व्यवस्था को चालू नहीं की गई है, वो वहाँ पर लोगों के साथ जो अत्याचार चल रहा है, क्या लग रहा है वहाँ के जो हालात हैं इस समय? देखिए अगर हम इसको क्या कहेंगे, मैं अगर इसको साइंस में भी देखूंगी, न्यूटन ने एक लॉ दिया था कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सही है? क्योंकि जब आप एक किसी के साथ आप ऐसा कुछ करते हैं तो वो वापस आपको रिएक्शन देता है, वो एक रिटेलिएशन देता है। तो जब लोग बंद हैं, फॉर एग्जांपल एक बच्चा अगर वो स्कूल जाता है, उसको आपने बंद कर दिया एक कमरे में, उसको बोला आपने कि आप पढ़ाई करते रहो, आप पढ़ते रहो, आपके पास फ़ोन नहीं, आजकल के ज़माने में उसको आप फ़ोन नहीं दे रहे हो, उसको आप नेट नहीं दे रहे हो, उसको खेलने नहीं दे रहे हो, तो वो एक टाइम ऐसा आएगा वो बहुत ढीठ बन जाएगा, वो अपने माँ बाप से भी बहुत बुरी तरीके से बात करेगा, वो कहेगा मुझे नहीं पढ़ना। तो ये सेम बात जो है, ये छोटी सी एग्जाम्पल है, ये अप्लाई होती है इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, कि आप देखिए आपने लोगों को इतने, मैं तो कहूँगी इतना जुल्म में रखा, इतना जुल्म में रखा, और फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मेरा मैसेज तो पूरा इंडिया से है, पूरी वर्ल्ड से है, पूरी, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं, पूरी दुनिया से ये है, स्टैंड विद कश्मीर, फील द पेन ऑफ कश्मीरीज, अपने फील करिए, और फील आप तभी करेंगे अगर आप एक बार अप्लाई करेंगे, कम्युनिकेशन प्लीज़ ब्लॉक आउट कीजिए। आप देखिए आपको कितना दर्द होगा जब आप जस्ट एक घंटे के लिए अपने लोगों से बात नहीं कर पाओगे, आप कनेक्ट करोगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह 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 मैं यही उम्मीद करती हूँ कश्मीर में दोबारा बाहर ज़रूर आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि जिस तरह से लोगों का मानना है कि कश्मीर को फिलिस्तीन में तब्दील कर दिया है, क्या है इस तरह फिलिस्तीन? देखिए कश्मीर के जो लोग हैं माशाल्लाह, अल्लाह के शुक्र से हम हमेशा मतलब हम बहुत, हमारी कौम जो है बहुत स्ट्रांग है, बहुत बार ऐसा हुआ है, लेकिन हम खुदा ना खास्ता कोई ऐसे नहीं मरा है कि कोई बिना खाने के मर चुका है, या ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। हम फिर बाहर देखेंगे और इंशाल्लाह अच्छा होगा, और मेरी तो मैसेज है पूरी दुनिया से यही कि वो सपोर्ट करे कश्मीर को, स्पेशली मैं यूएनओ से करती हूँ, और कल भी एक आया है वहाँ से ह्यूमन राइट काउंसिल से कि आप ये लॉकडाउन वहाँ पर ख़त्म कर दीजिए, तो मैं चाहूँगी कि ये सब सुने और वहाँ पर ख़त्म हो जाए सब।